तो आज की जो कहानी है, एक्चुअली कहानी नहीं, एक मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जिया है। क्योंकि ये जो सफ़र था, मेरे लाइफ का सबसे पहला सफ़र था, आगे आने वाले और भी होंगे। तो कहानी को बताते हैं अच्छी तरीके से, और बताएं क्यों, शुरुआत से दिखाते हैं कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। चलते हैं फिर। हेलो। हाँ हेलो, ध्रुव, जाना नहीं था तुझे? अरे कहाँ? वहीं जहाँ तू जाना चाहता था यार। मतलब अरे वृंदावन यार, चलते चल ठीक है, ठीक है, चल। नहीं, कल सुबह 6 बजे मिल। ठीक है, मिलता हूँ, चल फिर। और सुबह होते ही ध्रुव भाई ने फिर मुझे अपनी गाड़ी में पिक किया और हम निकल पड़े फिर मथुरा की ओर। और आधे रास्ते जाते ही हमें फिर नित्य भाई भी मिल गए अपने, तो हम उन्हें भी पिक कर लिया हमने, क्योंकि वो भी हमारे साथ सफ़र में जाने ही वाले थे। और एक टोल पार करते ही तो आधे लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया था, तो खाना खाने के बाद थोड़ी मस्ती करी गई और फिर निकल पड़े हम अपने मथुरा के सफ़र की ओर। अब पूरे व्लॉग मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये जो बंदा है भाई, पूरे रास्ते किससे बात करता नजर आ रहा है? ये हमारे हर्षित भाई, जो कि हमारे साथ सफर में साथ ही जाएंगे, इधर दिखा दो चेहरा थोड़ा अपना। और नितिन भाई से तो आप मिल ही चुके हैं, ये भी जाएंगे हमारे साथ। और तीसरा बंदा और है जो उनके बगल में बैठा है, ठीक है, उनका उसका नाम है रोहन। और कुछ घंटों के सफर के बाद फाइनली मथुरा पहुंचने के बाद आधे ज्यादा लोगों को तो भूख लगने लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक रेस्टोरेंट पहुंचे जाए और थोड़ा पेट पूजा करी जाए। बट सीन ये था कि रेस्टोरेंट उस समय खुला ही था और अंदर इतनी गर्मी थी, तो हम थोड़ी देर बाहर रुकने का प्लान बनाया ताकि अंदर AC थोड़ा ठंडा माहौल कर दे। और रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था भाई, और मैंने तो ज़्यादा कुछ मतलब खाया नहीं, मैंने एक लस्सी, स्वीट लस्सी मंगाई और मैं उसी से मेरा पेट भर गया। और सही बताओ तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम प्रेम मंदिर के बाद कहाँ जाएंगे। इतना पता था कि शाम होती हम प्रेम मंदिर की तरफ की ओर निकल पड़ेंगे, और वो हम निकल भी पड़े। और जो मैंने चीज़ देखी भाई मंदिर में जाके, रात में वो इतना सुंदर लगता है, और किसी मंदिर में मैंने रात में इतनी भीड़ होते हुए कभी नहीं देखी। मैंने तो खैर कभी नहीं देखी, और किसी का मुझे पता नहीं। और अंदर ज़्यादा ही क्राउड होने की वजह से हम लोग बाहर निकल आए। और ऐसा नहीं कि प्रेम मंदिर के सिर्फ अंदर ही अंदर सारी चीज़ भरी हुई थी, बाहर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको देख के बहुत मज़ा आया। तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी ना चाकर। तो प्रेम मंदिर के पूरे दर्शन करने के बाद हमारा प्लान बन चुका था कि हम गोवर्धन की 21 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करें। तो हम फिर गाड़ी निकाली और हम निकल पड़े फिर अपनी 21 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करने के लिए। अब तो आ रहा पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तो आ रहा पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। तो अंत में आके हमने 21 किलोमीटर की यात्रा को पूरी कर लिया और हमने थोड़ा रेस्ट करने का सोचा, क्योंकि पैरों में हो रहा था काफ़ी ज़्यादा दर्द। तो हमने सोचा कि अगले दिन होते ही हम बरसाना निकल पड़ेंगे, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निकले तो सही हम बरसाने के लिए, बट आधे रास्ते में हमारी गाड़ी के टायर में न जाने क्या फंस रहा था, उसको ठीक करने में टाइम लग गया, और ऊपर से ये मस्ती मजाक चलता रह गया, और भूख भी लग रही थी। हमने कहा क्यों ना कुछ खा लिया जाए, और फिर उसके बाद हम निकल पड़े अपने बरसाने के सफ़र की ओर। पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, होए होए ओ
के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना गाय हमसे नाराज। तो बरसाना के सफर को खत्म करने का वक्त आ चुका था और इसके बाद हम सीधा घर की ओर निकलने वाले थे, बट जो वाइब और जो मेमोरीज हमने कलेक्ट करी इस सफ़र में वो यादगार थी और हमेशा याद भी रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।